मैन या कोप। कहानी की शुरुआत में हम केसी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक होटल में वेटर का काम करती थी। अब काम करने के बाद केसी अपने घर जाने लगती है, पर तभी रास्ते में उसका सामना दो लुटेरों से हो जाता है जो उसके बैग को छीनने की कोशिश करते हैं। पर केसी किसी तरह उनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है और वो लुटेरे भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी केसी की नजर सड़क पर खड़े एक पुलिस ऑफिसर पर जाती है। ये देखकर वो उससे हेल्प मांगने के लिए जाती है, लेकिन जब केसी उस ऑफिसर के चेहरे को देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। तभी वो ऑफिसर केसी की गर्दन को दबाकर उसे मार डालता है। इधर वे लुटेरे ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले दिन पुलिस को केसी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे पुलिस उन दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लेती है। तभी वे लुटेरे उन ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं कि केसी का मर्डर एक पुलिस वाले ने ही किया है, लेकिन कोई भी ऑफिसर इनकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन लेफ्टिनेंट केसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए जाता है, जहां उसे डॉक्टर बताती है कि केसी की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। ये देखकर लेफ्टिनेंट समझ जाता है कि ये काम उन लुटेरों का नहीं है। इसके बाद रात में हम सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो काफी ड्रिंक करके अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां का सिग्नल रेड हो जाता है, जिससे सैम तुरंत अपनी कार को रोक देता है। तभी सैम के गाड़ी के पास एक ऑफिसर आता है जो उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। फिर जब सैम गाड़ी से बाहर आता है तो वो ऑफिसर एक चाकू से सैम का गला काट देता है और उसे उसकी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है। दरअसल ये मैनिया कॉप यानी साइको ऑफिसर होता है, जिसने पिछली रात केसी को मारा था। अब ये सब देखकर सैम की गर्लफ्रेंड काफी डर जाती है और वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। अगले दिन लेफ्टिनेंट कमिश्नर से मिलता है और उन्हें बताता है कि ये मर्डर एक पुलिस ऑफिसर ही कर रहा है, पर कमिश्नर को लग रहा था कि ये काम किसी साइको किलर का है जो लोगों का मर्डर करके पुलिस को बदनाम करना चाहता है, इसलिए वो इस रिपोर्ट को प्राइवेट रखने के लिए बोलता है। उसी दिन रात में हम एक आदमी को देखते हैं जो जैसे ही अपने कार के पास जाता है तो वहाँ मैनिया कॉप आकर उसके हाथ में हथकड़ी पहना देता है। ये देखकर वो आदमी डर कर वहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागने लगता है, पर तभी वो सीमेंट के बीचों बीच गिर जाता है, जिससे वहाँ कॉप आकर उसे बुरी तरह मार डालता है। सुबह जब पुलिस वहाँ आती है तो वो डेड बॉडी उन्हें सीमेंट में फंसी हुई दिखाई देती है। अब रात में लेफ्टिनेंट एक न्यूज रिपोर्टर से मिलता है और उसे एक साइको ऑफिसर के बारे में बताता है जो लोगों का मर्डर कर रहा है। दरअसल लेफ्टिनेंट लोगों को साइको ऑफिसर कॉप के बारे में अलर्ट करना चाहता था, इसलिए वो न्यूज रिपोर्टर के जरिए उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब अगले दिन न्यूज रिपोर्टर सभी को इस न्यूज के बारे में अलर्ट कर देती है, जिससे सभी लोग पुलिस से डरने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कौन सा ऑफिसर लोगों को मार रहा है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। तभी एक ऑफिसर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है, पर उस लेडी को लग रहा था कि वो वही साइको ऑफिसर है जो लोगों का मर्डर कर रहा है, इसीलिए वो लेडी उसे शूट करके मार डालती है। इस बात से कमिश्नर काफी हैरान होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा खत्म हो रहा था। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर जैक और उसकी वाइफ एलन को देखते हैं, जहाँ एलन को शक हो रहा था कि जैक ही सिटी में सभी का मर्डर कर रहा है, क्योंकि अक्सर वो रात के समय ही घर से बाहर रहता था। अब एलन उसे आज रात घर पर ही रुकने के लिए बोलती है, पर जैक उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तभी एलन के पास किसी लड़की का कॉल आता है जो उससे कह रही थी कि जैक आज रात भी किसी का मर्डर करने जा रहा है। ये सुनकर एलन काफी हैरान होती है और अपनी गन लेकर जैक के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद जैक एक होटल में पहुँचता है, जहाँ एलन जैक को एक रूम के अंदर जाती हुई देखती है। इसके बाद एलन होटल के मैनेजर से उस रूम की चाबी लेती है जिसमें जैक अभी गया हुआ था। फिर जब एलन उस रूम को ओपन करती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जैक एक लड़की टेरेसा के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब जैक को टेरेसा के साथ देखकर एलन उस पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि जैक ने उसे धोखा दिया था। अब जैक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एलन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एलन जैसे ही वहाँ से घर की तरफ जा रही थी तभी उसे कॉप पकड़ लेता है। अब अगले दिन सुबह मेड होटल रूम की सफाई करने के लिए जाती है, तभी उसे रूम के अंदर एलन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद कैप्टन जैक के पास जाता है और उसे एलन के मर्डर के बारे में बताता है। ये सुनकर जैक काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात एलन वहाँ से घर चली गई थी, लेकिन अब पुलिस जैक को कस्टडी में ले लेती है, जहाँ कैप्टन और लेफ्टिनेंट उससे पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि एलन की डायरी में लिखा हुआ था कि मुझे अपने हस्बैंड जैक के ऊपर शक है कि वो ही साइको
किलर है। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर ये दोनों उसकी बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर काउंसलर आता है जो जैक से अकेले में बात करता है। जैक काउंसलर को समझाने की कोशिश करता है कि जब एलन की मौत हुई थी तो उस समय वो किसी और के साथ था, लेकिन काउंसलर को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद लेफ्टिनेंट जैक के पास जाता है और उससे कहता है कि उस किलर की पर्सनैलिटी तुमसे मैच कर रही है, जिससे सभी लोग तुम पर ही शक कर रहे हैं। अब जैक लेफ्टिनेंट से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। उधर टेरेसा प्रोस्टिट्यूट बनकर अपनी ड्यूटी दे रही होती है। तभी उसके सामने कॉप यानी वही साइको ऑफिसर आ जाता है, पर टेरेसा को लगता है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है। पर तभी वो साइको ऑफिसर टेरेसा को पकड़कर अपनी चाकू बाहर निकालने लगता है। ये देखकर टेरेसा उस पर गन से फायरिंग कर देती है, लेकिन उसके गन का उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट भी आ जाता है जो उस कॉप को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉप लेफ्टिनेंट को धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है। अब टेरेसा और लेफ्टिनेंट दोनों काफी हैरान होते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट टेरेसा को कुछ दिनों के लिए गायब होने के लिए कहता है, क्योंकि वो किलर अब टेरेसा के पीछे पड़ चुका था। लेफ्टिनेंट टेरेसा से पूछता है कि क्या तुम्हारे और जैक के बीच रिलेशनशिप के बारे में कोई और भी जानता है। इस पर टेरेसा उससे कहती है कि मेरे डिपार्टमेंट में सैली नाम की एक लड़की है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट सैली से मिलने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैली का एक पैर प्लास्टिक का है। लेफ्टिनेंट उससे टेरेसा के बारे में पूछता है। अब कुछ देर बातें करने के बाद लेफ्टिनेंट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैली भी घर के लिए निकल पड़ती है। तभी लेफ्टिनेंट अपनी कार से सैली का पीछा करने लगता है जो एक वेयर हाउस की तरफ जा रही थी। फिर लेफ्टिनेंट उसके पीछे पीछे उसी वेयर हाउस के अंदर जाता है जहाँ सैली उस साइको ऑफिसर से बात कर रही होती है। उनकी बात से लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि उस किलर का नाम कॉर्डल है जो कमिश्नर और कैप्टन को मार कर उनसे बदला लेना चाहता है, और इसकी वजह से वो सिटी के बेकसूर लोगों को मार रहा है। सैली कॉर्डल को बेकसूर लोगों को मारने के लिए मना करती है। अब लेफ्टिनेंट वहीं छिपकर इनकी बात सुन रहा होता है। तभी कुछ हलचल के चलते सैली को वहाँ किसी की आहट होती है, जिससे वो अपनी गन से उस तरफ फायरिंग करने लगती है। ये देखकर लेफ्टिनेंट किसी तरह वहाँ से बचकर हेडक्वार्टर आ जाता है। यहाँ लेफ्टिनेंट कॉर्डल के बारे में कुछ न्यूज़पेपर के कट पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने भी कॉर्डल के साथ काम किया था, लेकिन पॉलिटिशियन ने उसके साथ काफी गलत किया था। उन्होंने झूठे आरोप में कॉर्डल को सिंग सिंग के जेल में बंद करा दिया था, जहाँ पर बहुत सारे सीरियल किलर थे। तभी लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि सैली कॉर्डल की गर्लफ्रेंड है जो अभी भी उसका साथ दे रही है। दूसरी तरफ कॉर्डल अपने पुराने पलों के बारे में सोच रहा था कि जब उसे जेल में बंद किया गया था तो वहाँ बहुत सारे सीरियल किलर थे। फिर एक दिन कॉर्डल जब स्नान कर रहा होता है तो उस पर बहुत सारे सीरियल किलर हमला कर देते हैं। ये देखकर कॉर्डल उन सबसे फाइट करने लगता है, लेकिन वे सीरियल किलर उसे घायल करके उसके चेहरे को काफी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। इधर लेफ्टिनेंट और टेरेसा जैक के पास जाते हैं, जहाँ लेफ्टिनेंट जैक को कॉर्डल के बारे में बताता है। पर जैक को लेफ्टिनेंट की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्डल की उस दिन मौत हो गई थी। अब लेफ्टिनेंट सैली के ऑफिस में जाता है और वहाँ सब कुछ चेक करने लगता है। तभी वहाँ पीछे से सैली आकर लेफ्टिनेंट के सिर पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेफ्टिनेंट की वजह से कॉर्डल उसे भी मार डालेगा। अब लेफ्टिनेंट को जख्मी करने के बाद सैली वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक ऑफिसर की डेड बॉडी पर जाती है, जिसे कॉर्डल ने फांसी लगाकर मार दिया होता है। ये देखकर सैली चीखने लगती है। तभी लेफ्टिनेंट उसके पास आकर उसे शांत कराता है, लेकिन जब वो सैली को वहाँ से ले जा रहा होता है तभी वहाँ कॉर्डल आकर सैली को मारने लगता है। ये देखकर लेफ्टिनेंट उसे बचाने की कोशिश करता है, पर कॉर्डल लेफ्टिनेंट को भी मारकर बेहोश कर देता है। अब जैक टेरेसा को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, इसीलिए वो टेरेसा को बाहर कार में वेट करने के लिए कहता है और खुद लेफ्टिनेंट को ढूंढने लगता है। तभी कॉर्डल लेफ्टिनेंट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है, जिससे वो एक गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैक लेफ्टिनेंट को नीचे मरा हुआ देखकर वहां से जाने लगता है, पर तभी मेयर जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक ही सभी को मार रहा है। इसके बाद जैक उस पर अटैक करके वहां से नीचे चला जाता है। अब टेरेसा और जैक कॉर्डल के बारे में पता करने के लिए उसी जेल में जाते हैं, क्योंकि जैक खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, इसीलिए वो डॉक्टर ग्रूबर से मिलता है जिसने कॉर्डल का ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर ग्रूबर इन्हें बताते हैं कि जब उन साइको किलर ने कॉर्डल को काफी घायल कर दिया था तो उसने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन इन सब चीजों के चलते कॉर्डल का ब्रेन काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड सैली उसे यहाँ से लेकर चली गई थी।
इसी बात को लेकर डॉक्टर और जैक के बीच बहस हो जाती है, जिससे वो इन्हें बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद जैक देखता है कि आज सभी पुलिस ऑफिसर परेड के लिए जा रहे हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि अगर कोई भी पुलिस वाला उसे देख लेगा तो वो उसे शूट करके मार डालेगा। इसीलिए टेरेसा कमिश्नर के पास जाकर इस बारे में बात करने का फैसला करती है। इस पर जैक उसे समझाता है कि कॉर्डेल कमिश्नर को मारने की कोशिश करेगा, तो तुम अलर्ट रहना। अब टेरेसा कमिश्नर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सारे मर्डर जैक ने नहीं किए, बल्कि ये काम कॉर्डेल का है। टेरेसा की बात सुनकर कमिश्नर और कैप्टन दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि कॉर्डेल मर चुका है, तो कोई मरा हुआ आदमी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तभी कमिश्नर टेरेसा को लेफ्टिनेंट का एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो बता रहा था कि उस किलर का मर्डर करने में साथ एक लड़की भी दे रही है। इस पर टेरेसा उन्हें बताती है कि वो लड़की सैली है, जो कि कॉर्डेल की गर्लफ्रेंड है। अब कमिश्नर को टेरेसा की पूरी बात झूठ लगती है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करवा कर परेड में जाने के लिए रेडी होने लगता है। फिर जैसे ही कमिश्नर कैप्टन के साथ वहाँ से बाहर निकलता है, तो कॉर्डेल वहाँ आकर कैप्टन को मार डालता है। इधर ऑफिसर टेरेसा को हथकड़ी पहनाकर जेल में बंद करने के लिए ले जाने लगता है। तभी कॉर्डेल वहाँ आकर उस ऑफिसर को भी मार डालता है। ये देखकर टेरेसा खुद को उस ऑफिसर के साथ एक रूम में बंद कर लेती है, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। इसके बाद टेरेसा किसी तरह अपने हाथ को खोलती है और चेयर से विंडो तोड़कर बाहर कूद जाती है। टेरेसा को बिल्डिंग से भागता हुआ देखकर जैक काफी परेशान होता है। तभी वे ऑफिसर जैक को पकड़ लेते हैं। जैक उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वे उसे जबरदस्ती एक ट्रक के अंदर बंद कर देते हैं। तभी वहाँ कॉर्डेल आ जाता है, जो उस ट्रक को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर टेरेसा पुलिस की एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगती है। तभी टेरेसा को याद आता है कि कॉर्डेल एक वेयर हाउस में रहता है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को वेयर हाउस की तरफ गाड़ी ले चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह वेयर हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ कॉर्डेल एक कुल्हाड़ी से ट्रक के लॉक को तोड़ रहा होता है। फिर जैसे ही वो लॉक खुलता है, तो जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कॉर्डेल उसे पकड़ लेता है। इसी बीच हम कॉर्डेल के फेस को देखते हैं, जो काफी अजीब तरह से दिख रहा होता है। अब कॉर्डेल जैक को टेरेसा के ऊपर फेंक देता है, जिससे टेरेसा की शॉर्ट गन नीचे गिर जाती है। फिर कॉर्डेल उस गन से जैक को शूट करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर जैक को बचाने लगता है। ये देखकर कॉर्डेल उस ऑफिसर को शूट करके मार डालता है। अब जैक कॉर्डेल से फाइट करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो उससे टक्कर नहीं ले पाता। तभी यहाँ पुलिस टीम आ जाती है, जिससे कॉर्डेल ट्रक लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे कॉर्डेल की बॉडी में एक लोहे की रॉड धस जाती है और ट्रक डिसबैलेंस होने की वजह से नदी में गिर जाती है। अब जैक किसी तरह नदी से बाहर आ जाता है, पर कॉर्डेल उस नदी से बाहर नहीं आता। फिर जब उस ट्रक को बाहर निकाला जाता है, तो पुलिस ऑफिसर को उसमें कॉर्डेल की डेड बॉडी नहीं मिलती, जिससे सभी पुलिस ऑफिसर को लगने लगता है कि कॉर्डेल नदी में डूब कर मर चुका है। तभी हम नदी में कॉर्डेल के हाथ को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कॉर्डेल अभी भी जिंदा है। अब सभी ऑफिसर जैक को निर्दोष साबित कर देते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो जल्दी से कॉमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।